हे गाइस, वेलकम टू नॉन टेक एजुकेशन। आज हम पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इस टॉपिक को लेके इसलिए आए क्योंकि 2017 के जो मैथ्स है, जो क्वांट है, उसमें से एक क्वेश्चन आया था जो बहुत ही बेसिक था। अगर आपको इसका थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आई होप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल क्या होता है, जो 10 के फॉर्मेट में रहता है, मतलब जो 0 से लेके 9 के डिजिट से मिलके बना है, दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल। और बाइनरी क्या होता है, जो दो नंबर, बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, मतलब 0 और 1 से मिलके जैसा संख्या बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर। ठीक है, तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए केवल एक छोटा सा प्रोसेस है, आप ध्यान रखें। जैसे कि कोई नंबर आपको दिया है, जैसे दिया है आपको 50, दिस इज़ रिटन इन डेसिमल, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो सिंपल सा प्रोसेस है, 50 को आप जैसे हम एलसीएम लेते थे, एलसीएम के लिए ये डिवीजन मेथड करते थे, उसी को यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है मतलब हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर होगा इसको इधर लिखते जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो 25 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 0। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 12 टाइम आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 6 टाइम 12 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब इसके बाद फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब जो रिमाइंडर बचा है उसको उल्टा लिखना है, रिवर्स लिखना है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाएंगे, तो हमारा जो बाइनरी आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आया, नीचे से 1, फिर 1, फिर उसके बाद 0 0 1 0, कितना, 0 0 1 0, दैट्स इट। सो ये जो नंबर है वो बाइनरी फॉर्मेट में है। ठीक है, मतलब क्या प्रोसेस है, जिस नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है डेसिमल को, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना मतलब 2, तो 2 से भाग करते जाएंगे, जितना भी रिमाइंडर आएगा लास्ट तक, हमें कब तक जाना है, जब तक 0 ना जाए, मतलब जब तक रिमाइंडर जो है यहाँ पे जो संख्या है वो 0 ना जाए, लास्ट पूरी तरह डिवाइड ना हो जाए, तब तक हमें इसे जो है इस प्रोसेस से करते जाना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कि हमें कोई और नंबर देते, जैसे हमें हमारे पास है कितना, 36 किस में है, डेसिमल में है, बोलेगा कि इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे, 36 यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको 2 से भाग करते जाएंगे तो ये 88 हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। फिर 2 से करेंगे तो कितना, 9, कितना बचेगा, 0। फिर 2 से अगर भाग करें 4 टाइम तो 2 4 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर इसके बाद 2 से करेंगे 2 2 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 2 से अगर करेंगे तो 2 1 2, रिमाइंडर कितने बचेगा, 0। फिर 2 0 जा, मतलब 1 छोटा हो गया तो रिमाइंडर पूरा 1 आ जाएगा। अब इसको जो है रिवर्स लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0, कितना, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, तो ये हमारा आ गया किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है इसमें कि अगर पॉइंट में दिया है, जैसे हमें दिया है कि 18.26, ये किस में लिखा है, डेसिमल में, इसको बोलेगा अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, जो भी क्वेश्चन आया था सिंपल फॉर्मेट था, सिंपल फॉर्मेट में था, जैसे कि 36 105 206। अगर पॉइंट में आ जाए तो क्या करेंगे, जो पॉइंट के पहले वाले हैं, जो कंप्लीट डिजिट है, उसको तो इसी प्रोसेस से करेंगे, मतलब 18 है तो 18 को पहले 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 2 4 8, रिमाइंडर 1। 2 2 4, रिमाइंडर 0। और 2 1 2, रिमाइंडर कितना हो गया, 0। लास्ट में रिमाइंडर 1, तो इसको तो उसी तरह लिख लेंगे, कितना, 1 0 0 1 0। ठीक है,
ठीक है, ये तो आ गया किसके लिए, 18 के लिए, तो पॉइंट के पहले वाले ये आ गया। अब उसके बाद पॉइंट के बाद के लिए जो 26 है, पॉइंट 26 है। अब ये क्योंकि पॉइंट के बाद है तो इसका प्रोसेस थोड़ा उल्टा होगा, मतलब इसमें दो दो का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मतलब उसके पहले वाले में क्या किए थे हमने, दो दो का डिवाइड करते गए थे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो डेसिमल के पहले जितने भी वैल्यू आते जाएंगे उसको हम कंसीडर करते जाएंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 46 पॉइंट, तभी डेसिमल के बाद पहले कितना आया, कुछ भी नहीं आया, तो मतलब जीरो। उसके बाद फिर 0.46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 2 2 12, कैरी 1, 4 2 8 एंड 9, अभी भी 0.92 आएगा, मतलब अभी इसके पहले, मतलब इस साइड पॉइंट के पहले कोई भी संख्या नहीं है, मतलब जीरो। अगर फिर 0.92 को अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 4 18, और पॉइंट यहाँ पे, तो अभी इसके पहले क्या आ गया, 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। दो तीन डिजिट तक चलते हैं। अब अगला क्या है, 1.86, हमें क्या लेना है, केवल ये वाली डिजिट जो पॉइंट के बाद वाली है, तो एक को नहीं लिखेंगे, केवल पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो भी पॉइंट के पहले संख्या आएगी उसको हम लिखते जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 0.86 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 2 12, कैरी 1, 8 2 16, 1 19, तो ये कितना हो गया, 0.92, तो 1 हमारा ये बचा गया, तो ये हमारा 1 आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर था उसके बाद जो भी ये संख्या बन रही है यही हमारा आंसर होगा पॉइंट के बाद वाली। तो क्या क्या बना, इसको हम सीधे लिखेंगे, याद रखें इसको हम सीधे लिखेंगे, और उसके पहले वाले में क्या था कि जो भी रिमाइंडर आता था उसको उल्टा लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे, सीधे में, तो क्या आएगा, 0 0 1 1, ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद आ गया 0 0 1 1, ये हो गया फॉर्मेट किस में, बाइनरी में। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई सिंपल संख्या है, जस्ट अ मिनट, हमें क्या सीखा, शुरू से देख लेते हैं। हमने सीखा अगर किसी सिंपल संख्या को, मतलब सिंपल मतलब बोले कि कंप्लीट संख्या को, कंप्लीट डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसलिए 2 का डिवाइड करते जाएंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स में लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी। और दूसरा अगर पॉइंट में है, तो पॉइंट में क्या है, ये जो कंप्लीट डिजिट है उसको तो उसी प्रोसेस से करेंगे, और जो पॉइंट के बाद वाला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो भी पॉइंट के पहले बचेगा उसको हम यहाँ पे अलग से लिखते जाएंगे, और उसको सीधे ऊपर से नीचे की ओर ही जो वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो दिस वॉज कम्प्लीट फॉर द डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, चलिए आज के लिए अलविदा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।